फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक पैनल है 75 वाट का। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक ये है, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कितने एम्पियर की बैटरी पर कितने वाट का पैनल यूज कर सकते हैं, मतलब कितने एएच की बैटरी पर कितने वाट का पैनल यूज होगा। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, फिर लाइक करिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसकी वीडियो का लाभ ले सकें इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग बताते हैं कि फॉर्मूले से, तो फ्रेंड्स मैं आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताने वाला हूं आज, एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि आप फार्मूला जब तक निकालेंगे उतने में तो आप 10-15 पैनल का बता सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसमें कितने वाट की बैटरी लगेगी फ्रेंड्स, ये एक सेकंड में बस बता लेंगे आप। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये 75 वाट का पैनल है तो इसमें आप कौन सी बैटरी यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको जितने एम्पियर हावर की बैटरी यूज करनी है, मतलब जितने एएच की बैटरी आपको यूज करनी है उसके दुगना का पैनल लेना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपके पास 40 एएच की बैटरी है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको 80 वाट का पैनल आपको लेना है फ्रेंड्स, मतलब कि फ्रेंड्स 5-10 वाट ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है वो चलेगा फ्रेंड्स, पर एकदम एग्जैक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पर फ्रेंड्स अगर आप 75 वाट का पैनल है तो फ्रेंड्स आप इसमें 35 से 40 एएच तक की कोई सी बैटरी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास होता ये फ्रेंड्स 100 वाट का पैनल तो फ्रेंड्स आप उसमें यूज करते 50 एएच की बैटरी। तो फ्रेंड्स 2-4-5 एएच कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं फ्रेंड्स बैटरी को और पैनल को, तो फ्रेंड्स आपकी बैटरी सारे दिन में, मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक में फुली चार्ज्ड हो जाएगी। और बहुत लोग क्या करते हैं, बस पैनल ले आते हैं, बैटरी ले आते हैं, लगा देते हैं और नहीं देखते ये कि कितने वाट का क्या है। तो उससे फ्रेंड्स ये फ़र्क पड़ता है, अगर आप पैनल के हिसाब से बैटरी छोटी लगाएंगे तो वो फ्रेंड बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी और बाकी आपका एनर्जी वेस्ट होता रहती है फ्रेंड्स पैनल की। और फ्रेंड्स अगर आप छोटा पैनल लगा देते हैं, बड़ी बैटरी लगा देते हैं, तो होता क्या है फ्रेंड्स, आप सोचते हैं बैटरी ख़राब है, क्या है हमारा कनेक्शन क्या है, सोलर चार्ज कंट्रोलर तो नहीं ख़राब है, बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है। क्योंकि अगर आप पैनल छोटा लगाएंगे बैटरी बड़ी है तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है चार्ज नहीं हो पाएगी सारे दिन में फुल चार्ज। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि आपको जितने एएच की बैटरी है आपके पास उतने उसके दुगने का आपको पैनल यूज करना है और आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से थी हमारी वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।